गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 4 कार्बन तथा उसके यौगिक। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण एलिमेंट तत्व के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और वो तत्व है कार्बन। और कार्बन ही नहीं, हम कार्बन से बनने वाले यौगिकों के बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कार्बन के बारे में, उसका परीक्षण कैसे कर सकते हैं, कार्बन के यौगिक वो कैसे बनते हैं, उसकी संयोजकता कितनी होती है, और कार्बन की सर्वोत्तमुखी प्रकृति के क्या कारण है, और कार्बन मिलता कहाँ कहाँ पे है, ये हम कुछ पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। और हम अपरूप भी पढ़ेंगे, किसके अपरूप, कार्बन के अपरूप। तो शुरू करते हैं किससे, कार्बन से। देखो कार्बन क्या है, कार्बन एक तत्व है। तत्व हमें पता है 118 तत्वों की खोज हो चुकी है अब तक। 118 तत्वों में से एक तत्व कार्बन भी है और यह अधातु है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि 118 तत्व जो पीरियोडिक टेबल में अरेंज किए गए हैं, जो 118 तत्व खोजे गए हैं उनमें से कुछ धातु हैं, कुछ अधातु हैं और कुछ उपधातु हैं। तो कार्बन क्या है, कार्बन एक अधातु है, ठीक है। यह हमारे आसपास के पदार्थों का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, मतलब आसपास जितने हम पदार्थ देखते हैं, यहाँ तक कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितनी भी जीवित वस्तुएं हैं, वो सब कार्बन और कार्बन से बनने वाले यौगिकों के जुड़ने से बनती हैं। हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जितने भी यौगिक हैं सब कार्बनिक यौगिक हैं। यहाँ तक कि मनुष्य की बॉडी ही नहीं, जितनी भी लिविंग वस्तुएँ हैं सभी के अंदर यही तत्व मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा वगैरह, और ये सब क्या है, कार्बनिक यौगिक होते हैं। लकड़ी के अंदर मुख्य रूप से कार्बन ही होता है। तो आसपास के जो भी हम पदार्थ देखते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, जीवाश्म ईंधन वगैरह, सभी के अंदर कार्बन मौजूद है। अब हम देखते हैं कि जो ये कार्बन है, नाम कार्बन कैसे पड़ा। कार्बन जो नाम पड़ा है वो पड़ा है कार्बो शब्द से। कार्बो, कार्बो एक लैटिन भाषा का शब्द है और कार्बो का मतलब होता है कोयला। अब कोयले से कार्बन का नाम क्यों पड़ा, कोयले से कार्बन का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि कोयले में मैक्सिमम रूप से अधिकतम क्या होता है, कार्बन ही होता है। इसलिए हम कार्बो को, मतलब कार्बन, कार्बो शब्द से लिया गया है। मतलब कोयला और कार्बन लगभग ये समझ लो समान है, क्योंकि कोयला कार्बन से ही मिलकर बना हुआ है। अब हम बात करें कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई वस्तु के अंदर कार्बन है कि नहीं है। अगर वो वस्तु जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करती है, जैसे आपके पास कोई पदार्थ है, कोई भी पदार्थ, आपने उसको जलाया और उसमें से कोई गैस निकली, उस गैस को आप लाइम वाटर से गुजारो, चूने का पानी, बुझे हुए चूने में से जो पानी उसका होता है उसमें से अगर हम उस गैस को गुजार देंगे, कौन सी गैस को, कोई पदार्थ, कोई पदार्थ आपके पास, हमें नहीं पता पता कि इसके अंदर कार्बन है कि नहीं है, हम क्या करेंगे, इस पदार्थ को जला देंगे। जलाने के बाद जो इसमें से गैस निकलेगी, उस गैस को चूने के पानी से गुजारो। चूने के पानी से गुजारने के बाद अगर वह चूने का पानी दूध या हो जाता है, मतलब व्हाइट से कलर का हो जाएगा, तो समझ लेना उस पदार्थ में से जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस तभी निकलती है जब किसी पदार्थ में कार्बन उपस्थित होता है। तो यह है, ये जानने का तरीका है कि किसी वस्तु में कार्बन है कि नहीं है, ठीक है भाई। उसके बाद अगर हम बात करें संयुक्त यौगिक की, कार्बन क्या है, देखो कार्बन तत्व है और इसकी परमाणु संख्या होती है कितनी, 6। अगर 6 परमाणु संख्या है तो मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर करूं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इसके कक्षों में इलेक्ट्रॉनों को बांटूं, तो परमाणु क्रमांक 6 है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 6 है, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन है तो पहले कक्ष में कितने आएंगे, 2, और दूसरे कक्ष में कितने आएंगे, 4। बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। तो इसको अपने बाहरी कक्ष को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, इसको अपने बाहरी कक्ष पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए, अक्रिय गैस का कॉन्फ़िगरेशन या विन्यास प्राप्त करने के लिए यह है क्या करेगा, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अब ये करता क्या, क्या यह 4 इलेक्ट्रॉन लेता है या 4 इलेक्ट्रॉन देता है,
ये चार इलेक्ट्रॉन अगर ले लेगा तो ये बनाएगा भाई C4-, मतलब क्या, ये एक ऋण आयन बनाएगा। और क्या C4- मतलब क्या कार्बन ऋण आयन बना सकता है? नहीं, यह पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 ही प्रोटॉन है, तो 6 प्रोटॉन जो नाभिक में है वे 6 इलेक्ट्रॉनों को तो आसानी से पकड़ के रख सकते हैं। लेकिन अगर ये C4- का मतलब क्या है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लेगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 10, और 10 इलेक्ट्रॉनों को 6 प्रोटॉन संभाल नहीं सकते, मतलब इतनी ऊर्जा नहीं होती उनके पास कि वो 10 इलेक्ट्रॉनों को संभाल सके। इसलिए ये 4- मतलब कार्बन C4- ऋण आयन नहीं बनाता, ये बात याद रखना। कहने का मतलब क्या है, यह 4 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने बाहरी कक्ष को पूर्ण नहीं करता। तो क्या यह 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा? क्या यह C4 धन आयन बनाता है? क्या यह काम करता है? देखो भाई, अगर ये कार्बन जो होता है, कार्बन तत्व बहुत छोटा तत्व होता है, इसका जो नाभिक होता है और जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होते हैं, और देखो इसमें दो ही कक्ष होते हैं, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आगे और इसमें आगे 4, तो इतना बड़ा तत्व नहीं है, मतलब इसका परमाणु इतना बड़ा नहीं है, तो इसके नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच जो आकर्षण बल होता है वो बहुत अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? क्योंकि ये छोटा है, छोटा होने के कारण क्या होगा, बाहरी इलेक्ट्रॉनों और नाभिक के बीच में आकर्षण बल स्ट्रांग होगा। अगर ये C4+ धनायन बनाता है तो इसको अपने 4 इलेक्ट्रॉनों को देना पड़ेगा, और इनके बीच में क्या है, नाभिक के और इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो आकर्षण बल बहुत अधिक है, अगर इनको बाहर निकालना पड़ेगा तो इनको बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी किस निकालने के लिए, तो इतनी ऊर्जा किसी तत्व के पास नहीं होती, मतलब इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं होती कि इन 4 इलेक्ट्रॉनों को इन कक्षों से बाहर निकाल सके। तो इसलिए यही कारण है कि कार्बन C4 धन आयन भी नहीं बनाता। ये पेपर में आ सकता है अभी कि कार्बन क्या C4- ऋण आयन बनाता है या C4+ धन आयन बनाता है, ये ना तो C4- ऋण आयन बनाता और ना ही C4+ धन आयन धनायन बनाता। क्यों नहीं बनाता, उसका कारण मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक है भाई। तो संयोजकता इसकी कितनी है? संयोजकता तो इसकी 4 ही है, क्योंकि संयोजकता क्या होती है, संयोजकता होती है भाई कोई तत्व अपने बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है या वो कितने इलेक्ट्रॉन अपने दे सकता है, वो उसकी होती है संयोजकता। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है या ले सकता है, ये इसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये अलग बात है कि ना तो ये 4 लेता है और ना 4 देता है, लेकिन इसकी संयोजकता तो 4 ही है, ये बात याद रखना। अब ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन देगा और ना 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो फिर ये यौगिक कैसे बनाता है? तो ये यौगिक बनाता है भाई इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, मतलब ये साझेदारी कर लेता है इलेक्ट्रॉन की किसके साथ, दूसरे तत्वों के साथ। ना तो ये दूसरे तत्वों का इलेक्ट्रॉन लेगा ना दूसरे तत्वों का इलेक्ट्रॉन देगा, बस दूसरे तत्वों के इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर लेता है, और साझेदारी से बनने वाला जो यौगिक होता है उसको बोलते हैं सहसंयोजी यौगिक। इसका मतलब है कि कार्बन कौन सा आबंध बनाता है, सहसंयोजी आबंध बनाता है, और सहसंयोजी आबंध से बनने वाले होते हैं सहसंयोजी यौगिक। ये तो मैं पहले भी बता चुका हूं, सहसंयोजी यौगिक, ठीक है भाई। तो कार्बन की संयोजकता होगी 4 और ये यौगिक बनाएगा सहसंयोजी यौगिक, और आबंध कौन सा बनाएगा, बनाएगा सहसंयोजी आबंध, ठीक है भाई। अब बात करते हैं, एक प्रश्न आ जाता है कई बार, कौन सा प्रश्न आता है, प्रश्न आ जाता है कि कार्बन की सर्वोत्तमुखी प्रवृत्ति के क्या कारण है। सर्वोत्तमुखी प्रवृत्ति, सर्वोत्तमुखी का मतलब होता है कि कार्बन इस दुनिया में लगभग हर जगह मौजूद है, उसका कारण क्या है। या फिर एक दूसरे तरीके से प्रश्न आ जाता है कि कार्बन तत्व के इतने अधिक यौगिक होने का क्या कारण है, तो उसके भाई ये प्रश्न का उत्तर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये पेपर में आ जाता है। तो इसके मुख्य 2 कारण होते हैं भाई, कौन सा, एक कारण होता है इसकी चतुर संयोजकता, चतुर संयोजकता, ठीक है, चतुर संयोजकता, और दूसरा कारण होता है इसका श्रृंखलन। अब ये दोनों क्या चीजें हैं, पेपर में अगर प्रश्न आ जाए कि कार्बन की सर्वोत्तमुखी प्रकृति के क्या कारण है, तो इसके मुख्य रूप से 2 कारण हैं। तो कार्बन की सर्वोत्तमुखी प्रकृति के कारण हो गए 2, चतुर संयोजकता
और श्रृंखलन। अब चतुर्संयोजकता का मतलब होता है कि कार्बन की संयोजकता चार है, मतलब यह किसी दूसरे तत्व के चार इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी कर सकता है, यह होगी चतुर्संयोजकता। एक श्रृंखलन क्या होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पेपर में बहुत आ जाता है, अलग से आ जाता है इसकी परिभाषा कि श्रृंखलन क्या होता है। श्रृंखलन का मतलब होता है जो कार्बन एक ऐसा तत्व है जो कार्बन के साथ ही जुड़कर बहुत लंबी श्रृंखला का निर्माण कर लेगा, जैसे कार्बन 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 कार्बन, इस प्रकार से कार्बन कार्बन से ही अवध बनाकर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर लेता है, और यह श्रृंखला काफी स्टेबल होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये आसानी से टूट जाएगी, क्योंकि इनके बीच में अवध बहुत प्रबल होता है। क्यों प्रबल होता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कार्बन का जो साइज होता है वो छोटा होता है और इनके बीच में आकर्षण बल स्ट्रॉन्ग होता है, तो इनमें जब अवध बनता है तो ये अवध भी काफी स्ट्रॉन्ग बनता है, इसलिए कार्बन कार्बन की जो श्रृंखला होती है वो काफी स्टेबल होती है, इतनी आसानी से नहीं टूटती। दूसरे किसी भी तत्वों में इस प्रकार का गुण नहीं मिलता, और अगर मिलता भी है तो वो श्रृंखला छोटी होती है। कार्बन में कार्बन कार्बन के साथ जुड़कर ये 100 या 1000 या उससे भी ज्यादा कार्बन आपस में जुड़कर बहुत लंबी श्रृंखला का निर्माण कर लेते हैं, और इसी गुण को बोला जाता है श्रृंखलन, और यही वो गुण है जिसके कारण कार्बन के इतने अधिक यौगिक इस पृथ्वी के ऊपर मिलते हैं। पृथ्वी में ही नहीं, ऊपर वायुमंडल में मिलते हैं, पृथ्वी के अंदर भी मिलते हैं, जल में भी मिलते हैं, सभी जगह कार्बन के यौगिक मौजूद है। कारण क्या है, चतुर्संयोजकता और श्रृंखलन। अब देखो श्रृंखलन तो ये होगा, चतुर्संयोजकता का क्या लाभ मिलता है इसको, चतुर्संयोजकता के कारण यह है कार्बन से ही नहीं दूसरे तत्वों के साथ भी सहसंयोजी यौगिक बना लेता है। कौन से दूसरे तत्व, जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी बना सकता है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ भी बना लेता है, कार्बन सल्फर के साथ भी कर लेता है, कार्बन क्लोरीन के साथ भी बना लेता है, ठीक है। इस प्रकार से जैसे कार्बन यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ भी आबंध बना लेता है, तो जब ये इतने तत्वों के साथ सहसंयोजी आबंध बना लेगा तो जितने ज्यादा तत्वों से सहसंयोजी आबंध बना सकता है उन ही तत्वों को इतने ज्यादा यौगिक बन सकते हैं, तो यही कारण है कि कार्बन के इतने अधिक यौगिक मिलते हैं, ठीक है भाई। ये है इसकी स्रोतमुखी के कारण कि यह कार्बन कार्बन के साथ मिलकर लंबी श्रृंखला का निर्माण कर लेता है। दूसरा, चतुर्संयोजकता होने के कारण यह कार्बन के साथ तो कर ही सकता है, दूसरे जो तत्व होते हैं जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर क्लोरीन वगैरह इनके साथ भी सहसंयोजी यौगिकों का निर्माण कर लेता है, और यही कारण है कि कार्बन के इतने अधिक यौगिक मिलते हैं। अब बात करते हैं उपस्थिति की, कार्बन कहाँ है। कार्बन लगभग सभी जगह मिलता है, पृथ्वी में जितने भी मंडल हैं, मतलब वायुमंडल जल मंडल स्थल मंडल सभी में कार्बन मौजूद है। यह पृथ्वी में 0.02% मौजूद है। ये किस रूप में मौजूद है, देखो पृथ्वी में ये दो रूपों में मिलता है, ये स्वतंत्र रूप में भी मिल सकता है और यह यौगिक के रूप में भी मिल सकता है। यौगिक का मतलब क्या है, कि यौगिक का मतलब क्या होता है कि यह दूसरे तत्वों के साथ अभिक्रिया कर लेगा तो यौगिकों का निर्माण करेगा। ऐसा तो है नहीं कि कार्बन ऐसे ही पड़ा है, क्योंकि इसकी चतुर्संयोजकता है तो दूसरे यौगिक जो पृथ्वी में होंगे उनके साथ तो ये अभिक्रिया कर ही सकता है तो यौगिकों का निर्माण कर लेगा, लेकिन स्वतंत्र रूप से भी हमें मिल सकता है। स्वतंत्र रूप से जो हमें कार्बन प्राप्त होता है वो तीन रूपों में प्राप्त हो सकता है। कौन सा, एक तो हमें प्राप्त होता है ग्रेफाइट के रूप में, और एक होता है हमें हीरे के रूप में हीरा, और एक, देखो ये तीनों कार्बन के अपरूप हैं, इन तीन रूपों में कार्बन हमें प्राप्त हो सकता है। एक होता है फुल रील, पूरा नाम होता है बक फुल रील, ठीक है बक फुल रील। ये तीन कार्बन के अपरूप हैं, इन रूपों में कार्बन स्वतंत्र रूप से मिल सकता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में मिलता है। ज्यादातर जो मिलता है वो मिलता है किसमें, यौगिक के रूप में। अब यौगिक कौन से यौगिक, तो अकार्बनिक यौगिक, जैसे कार्बोनेट के रूप में मिल सकता है कार्बोनेट, ठीक है, नाइट्रेट के रूप में मिल सकता है नाइट्रोजन के साथ, सॉरी नाइट्रेट नहीं कार्बोनेट के रूप में मिलता है। जहां भी कार्बन जुड़ा होगा किसी दूसरे तत्व के साथ तो वो बन जाएगा इसका यौगिक, ठीक है। तो पृथ्वी में ज्यादातर मिलता है यह किसके रूप में, कार्बोनेट के रूप में। अब कार्बोनेट के भी अलग अलग रूप हैं, जैसे कोई संगमरमर का पत्थर होता है,
ये मार्बल जो होता है, चौक जो होता है, ये सब बहुत सारी चट्टानें होती हैं जो कार्बोनेट से मिलकर बनती हैं। तो कहने का मतलब क्या है, पृथ्वी के अंदर कार्बन स्वतंत्र रूप में मिलता है और यौगिक के रूप में भी मिल सकता है। स्वतंत्र रूप में मिलता है हमें ग्रेफाइट हीरा और क्लोरीन के रूप में, और यौगिक के रूप में मुख्य रूप से ये मिलता है किसमें, जो ये अपना कार्बोनेट के रूप में, ठीक है। अगर हम वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में ये किस रूप में मिलता है। अब वायुमंडल में ऐसा नहीं है कि ये फ्री रूप में मिलेगा कि कार्बन घूम रहा है वायुमंडल में, नहीं, वायुमंडल में ये मिलेगा हमें, ये यौगिक रूप में मिलता है और मिलता है 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, CO2। देखो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, 0.03% है वायुमंडल के अंदर। इसके अलावा जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं जो जीवित वस्तुओं के अंदर हैं, जैसे कि अगर हम बात करें भाई कौन से, जैसे हम बात करें जीवाश्म ईंधन है, जैसे जीवाश्म ईंधन मतलब पेट्रोलियम है, कोयला है और प्राकृतिक गैस है, इन सभी में कार्बन यौगिक होते हैं। तीसरा, जो जीवों के शरीर में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा जो होती है उनके अंदर भी कार्बन हमें मिलता है, ठीक है भाई। तो ये थी कि कार्बन हमें कहाँ मिलता है, मतलब इसकी उपस्थिति क्या है। अब ये बात करते हैं अपरूप, अपरूप मैं पहले ही बता चुका हूँ। अपरूप क्या होता है, मतलब अगर कोई तत्व अलग अलग भौतिक रूपों में मिलता है तो वो रूप उसके अपरूप कहलाते हैं। जैसे कार्बन हमें तीन रूपों में मिलता है, एक हीरा, एक ग्रेफाइट और एक फुलरीन। इन तीनों में से जो हीरा और ग्रेफाइट जो है ये ऐसे अपरूप हैं जिनको हम पुराने समय से जानते हैं, लंबे टाइम से, लेकिन जो फुलरीन होता है इसको रिसेंटली पता लगाया गया है, मतलब कुछ समय पहले ही पता चला है फुलरीन के बारे में। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किसके बारे में, कार्बन तत्वों के बारे में। अभी तो कार्बन के बहुत सारे यौगिक आएंगे, तो ये इंट्रोडक्शन था बस। तो आज के लिए इस वीडियो में बस कार्बन का इंट्रोडक्शन था, आगे हम बाद में देखते हैं इसके कार्बन के अलग अलग यौगिकों के बारे में, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।